ईबायोटोरियम कंपनी उत्पादों सेवाओं में किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की गारंटी या वारंटी नहीं देती है। किसी दावे पर विचार नहीं करते हैं कि 100% विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक वैकल्पिक चिकित्सा है। इस प्रचार वीडियो में दिखाए गए चित्र और दृश्य केवल एक डॉक्टर की छाप है और केवल परिकल्पित विकारों के संकेत है। और वीडियो में दिखाए गए फायदे जो लोगों ने बताए हुए हैं वो उन्होंने खुद अनुभव किए हैं और वो खुद उन्होंने बताए हैं बिना किसी के दबाव में आए। सूचना की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी गई है और न ही इस वीडियो ब्राउज़र या अन्य कोई प्रचार दस्तावेज के तहत या किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी उपयुक्तता या पर्याप्तता के लिए अन्यथा कोई प्रतिबंधित नहीं दी जा रही है। ठीक है, मैं सभी लोगों का सागर जोशी ईबायोटोरियम में और बायोमैग्नेटिज्म का जो साइंस है उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आज पूरा साइंटिफिक बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर को समझेंगे कि मैग्नेटिज्म है क्या, इसको प्रॉपर समझेंगे। तो आपका दोबारा जितने भी लोग मौजूद है सबको मैं वेलकम करता हूँ और जितने भी लोग आना चाहे वो अभी आ सकते हैं और जिनको बुला लो। और अभी आने वाले एक मिनट के बाद अपना प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, तो ध्यान से समझो। आपके पास आप आपकी डायरी में पेन लिख के रखो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आप टेक्स्ट मैसेज आप भेजिए। अगर आपके जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी, उसमें कुछ लगा तो हम उसको एंड में रिप्लाई करेंगे। हमारे कथोरिया भाई जो है वो मुझे वहां पर पढ़ के सुनाएंगे तो मैं यहाँ पर आपको उसको रिप्लाई करूंगा। ओके, तो बस हम लोग शुरुआत करते हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर। तकरीबन 16 सालों से मैं बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। चलिए मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, आज हम लोग बायोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। बायोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करने से पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। हमारा अर्थ और हमारा बॉडी और मैग्नेटिज्म ये कैसे इंटरकनेक्ट है और कैसे एक दूसरे के साथ काम करके उसके बारे में आप समझेंगे कि अर्थ का मैग्नेट हमारे बॉडी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा बॉडी अर्थ को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और हेल्थ के बारे में भी आज हम काफी सारी बातें यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इंसान अपने शरीर से पैसे कमाता है, फिर उस शरीर को कमाने के लिए वापिस से पैसे खर्च करता है। तो हमारे शरीर में बीमारियां हो ही नहीं, इसके लिए क्या करना है, बीमारी होने का रूट कॉज क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बीमारी हमारे शरीर में होती ही क्यों है और मैग्नेटिज्म उसमें कैसे किस तरह से हेल्प करता है उसके बारे में हम बारीकी से समझेंगे। आपको ये बात समझ लेना है कि जब तक आप आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपके शरीर का कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। ये मैग्नेटिज्म क्या करता है उसके बारे में आप साइंटिफिक वे से समझने की कोशिश करो। आपको पूरा मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहां पर समझाऊंगा, राइट? तो सबसे पहला मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म कहां से जनरेट होता है, वो कैसे पैदा होता है, उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आगे चलने से पहले मैं आपको इतना बता दूं, मेरे पास एक अर्थ है, हमारा अर्थ जो है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है। इसमें से मैं बाकी तीन चीजें हटा देता हूं, सिर्फ आउटर कोर को मैं यहां रखता हूं। हमारा जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है और उस मैग्नेट से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है और वही फ्रिक्वेंसी आगे जाके मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट है और एवरीवेयर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, जैसे यूनिवर्स में सब जगह पे, जैसे धरती के ऊपर सब जगह पे जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, वैसे धरती के ऊपर हर जगह पे मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मौजूद है। अब जिस जगह पे आप बैठे हो, जिस हॉल में, जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में जैसा सब जगह पे ऑक्सीजन मौजूद है वैसे सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी यानी पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी सब जगह पे मौजूद है, लेकिन उस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को आप अपने आंखों से देख नहीं सकते। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी क्या है, राइट? हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के पेट के अंदर आउटर कोर नाम का एक एरिया होता है, आउटर कोर। ये आउटर कोर दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये आउटर कोर है लोहे का समंदर, यानी आयरन का लिक्विड बेस समंदर है। आज तक आपने जितना भी बड़ा समंदर देखा होगा उससे भी ज्यादा बड़ा समंदर पृथ्वी के पेट के अंदर है, वो है लोहे का समंदर, यानी लिक्विड बेस लोहे का समंदर, और वो भी तकरीबन 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। पृथ्वी के पेट में तकरीबन 5000 किलोमीटर नीचे, 5000 किलोमीटर नीचे। अच्छा, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं इसके करोड़ों पेजेस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, लाखों बुक्स में एंट्री है। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर भी मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं एज इट इज आपको वहां पर मिलेगी। तो धरती के 5000 किलोमीटर नीचे एक आउटर कोर करके एरिया है जो लोहे का समंदर है जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो आपको मालूम है कि हमारी अर्थ राउंड होती घूमती है और घूमने के कारण पृथ्वी के पेट के अंदर का जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म लोहे का जो समंदर है वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर से घूमता है
और उससे घर्षण पैदा होता है और वही घर्षण आगे जाके एक हाई इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है और उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी यानी पृथ्वी की मैग्नेटिक एनर्जी यानी चुंबकीय शक्ति बोला जाता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है, उसके बारे में आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज, एक आम आदमी भी समझेगा, उस लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, ईच एंड एवरी प्लैनेट पर स्टडी कर रहे, धरती के ऊपर स्टडी कर रहे, लेकिन नासा के साइंटिस्ट को धरती छोड़ा तो दुनिया के किसी भी प्लैनेट के ऊपर कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। तो नासा के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, स्टडी किया और सारे के सारे साइंटिस्ट लोगों का एक ही कंक्लूजन आया है, अलग अलग प्लैनेट्स में हम गए वहां पर जीव सृष्टि क्यों नहीं है। तो जीव सृष्टि नहीं होने का एक ही कारण, एक ही कंक्लूजन उनको मिला कि बाकी अदर प्लैनेट्स पे मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी नहीं है, धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। इस धरती के ऊपर अगर एक चींटी भी जीवित है, अरे हाथी भी जीवित है, इंसान भी जीवित है और पेड़ पौधे भी जीवित है तो बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। उस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के बारे में आज हम समझेंगे कि मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमारे शरीर पे कैसे काम करती है। तो मैंने आपको बोला कि मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी कैसे जनरेट होती है, जैसे आउटर कोर की बात मैंने की 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म। अब बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज द 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस मतलब मैं इतना ही बता दूं कि 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी की तरह उबलना शुरू कर देता है। तो आप 6000 डिग्री सेल्सियस का अनुमान करिए, जो धरती के पेट में से वो निकलता है और उसी में से मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी निकलती। मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी पूरी तरह से इनविजिबल है, वो लाइट से भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है। अब लाइट का स्पीड है पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर, यानी सूरज धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर दूर से उस सन की रेस को धरती पे आने के लिए 8 मिनट 25 सेकेंड लगता है, उससे भी 20 करोड़ टाइम फास्टर है मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। और उस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को आप कभी देख नहीं सकते क्योंकि बहुत फास्ट है। आपके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है लेकिन उस मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को आप देख नहीं सकते। आप उसको साइंटिफिक वे से मैं आपको समझाऊं, आप लिख लीजिए आपके डायरी में क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी। क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी के बारे में आप अगर इंटरनेट पे जाके पढ़ोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चलेगा उसकी कैसी फोटोग्राफी होती है। क्योंकि आम जो कैमरे होते हैं उसमें सिर्फ हमारा बॉडी दिखता है लेकिन क्रिलियन फोटोग्राफी, ओरा फोटोग्राफी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसके बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। तो आप ओरा फोटोग्राफी या क्रिलियन फोटोग्राफी आप इंटरनेट पे डालो, लाखों पेजेस आपको मिलेंगे जिससे आपको मैग्नेटिज्म क्या है उसका साइंस क्या वो टोटल क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बारे में बात करें फिर मैग्नेट क्या होता है और हमारा नेचुरल मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में भी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको नेचुरल मैग्नेट यहाँ पर दिखाऊंगा और कैसे काम करता है वो भी दिखाऊंगा। राइट, अब क्रिलियन फोटोग्राफी के बारे में आज हम यहां समझेंगे। आपका क्रिलियन फोटोग्राफी से अगर मैं फोटोग्राफी ले लूं तो आपके बॉडी के सराउंडिंग में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी दिखेगी। जैसे आप जिस रूम में बैठे उधर सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मौजूद है लेकिन आज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमको नहीं मिल रही है क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है और 3 फीट में लोहा होने के कारण जो हमारे सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, हमारी जो फ्लोरिंग है, हमारे जो हम जिस फ्लोर पे रहते हो फ्लोरिंग भी लोहे की है, छत भी लोहे का है, आजू बाजू में बीम कॉलम भी लोहे के है, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग, लाखों बिल्डिंग्स हमारे आजू बाजू में है, बाइक कार बस ट्रक ट्रेन प्लेन तमाम अरबों खरबों टन का लोहा हमारे आजू बाजू में है और आने वाले 15 साल में ये और मल्टीप्लाई होगा लेकिन कम नहीं होगा। और आज से 150 साल पहले इस धरती के ऊपर लोहा बिल्कुल ना के बराबर था, बिल्कुल था ही नहीं, अब ये मानोगे तो भी चलेगा। आज लोहा हमारे आजू बाजू में बढ़ने के कारण जो हमारे आजू बाजू में जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, जो हमारे शरीर के आजू बाजू में पृथ्वी की फ्रिक्वेंसी है, आप अगर इंटरनेट पे जाके देखोगे क्रिलियन ओरा फोटोग्राफी, अगर आपके आपके हाथ का भी फोटोग्राफ आप निकालोगे क्रिलियन कैमरा से तो आपके सराउंडिंग में जो आपका हाथ है इसके आजू बाजू में भी आपको मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी बहुत कम मात्रा में मिल रही है करके हमें आज मल्टीपल डिसीज हो रहे हैं। तो दुनिया में डिसीज क्यों होती है उसके रूट कॉज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ब्लड सर्कुलेशन क्या है, ऑक्सीजन लेवल क्या है और बायोमैग्नेटिज्म उसके ऊपर कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आज पूरा साइंटिफिक आपको बताऊंगा। तो आपके सराउंडिंग में आजू बाजू में सब जगह पे आप जहां हाथ रखोगे सब जगह पे मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है और वो क्रिलियन फोटोग्राफी में दिखता है। तो ये इससे टाइम टेस्टेड, इससे प्रूवन कि हमारे सराउंडिंग में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पृथ्वी खुद एक ह्यूज मैग्नेट है, मतलब मामला ही खत्म हो गया। वो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण ही आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है,
और उस ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही आज हम जिंदा है, इस धरती की जीव सृष्टि जिंदा है। नासा किसी भी प्लेनेट पर गया, कोई भी जीव जंतु वो धरती के ऊपर ला नहीं पाए, यानी कि उनको मिले ही नहीं। ओके, तो उसके बारे में हम समझेंगे, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में समझेंगे, बीमारियों के बारे में समझेंगे, शांति से समझेंगे। तो मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने क्लियर किया। अब हमारा अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज से पैदा हुई और पृथ्वी से हम पैदा हुए। सिंपल लॉजिक है, हमारी पृथ्वी सूरज से पैदा हुई और पृथ्वी से हम पैदा हुए। हमारी पृथ्वी खुद एक मैग्नेट है, राइट। पृथ्वी से जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी निकलती है, हमारा बॉडी उसको एज अ स्पंज, स्पंज की तरह एब्सॉर्ब करता है। यानी स्पंज को अगर मैं पानी में डाल दूं तो ये पानी एब्सॉर्ब कर लेगा। वैसा हमारा बॉडी जस्ट लाइक अ स्पंज, हमारा बॉडी एक स्पंज की तरह काम करता है। सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी हमारा बॉडी खींचता है और उसी के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। जैसे मैंने कहा कि ट्रिलियन फोटोग्राफी अगर आप करोगे तो आपके बाजू में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी दिखेगी। तो हमारे आजू बाजू की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी तो हमारा बॉडी उसको एब्सॉर्ब करता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के ऊपर 50 लाख से भी ज्यादा होल्स है, यानी उसको पोर्स बोला जाता है। तो हमारे शरीर में 50 लाख से भी ज्यादा होल्स है, उस होल से हमारा बॉडी उस साइड हमारे आजू बाजू की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को खींचता है। उसका जीता जाता दूसरा उदाहरण है कि रोज हमें नहाना पड़ता है। अगर आप नहीं नहाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर मैल आ जाता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी सराउंडिंग मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जब खींचता है तो सराउंडिंग की धूल मिट्टी भी वो खींचता है। देखो, आपकी नाभि को आप कभी भी चेक करना, उसके अंदर आपको कचरा मिलेगा। वो कचरा कोई पड़ोसी डाल के नहीं गया, वो हमारे बॉडी ने ही खींचा है। तो हमारा बॉडी सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी को खींचता है, लेकिन आज हमको 25-30% कम मात्रा में मिल रही है, और जिसके कारण हमारा हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन वो कमजोर पड़ चुका है। उसके बारे में हम समझेंगे, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन। उससे पहले हम समझते हैं, हम इनविजिबल डॉट से पैदा होते, आज हम एक इनविजिबल डॉट से पैदा हुए और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। आज हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, और वो पंच तत्व क्या है, हवा, पानी, खुरा, सनरेज एंड फिफ्थ एलिमेंट इज अ मैग्नेटिक एलिमेंट। पांचवा जो तत्व है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक एलिमेंट, पृथ्वी का मैग्नेटिक एलिमेंट चुंबकीय तत्व, पांचवा एलिमेंट माना जाता है चुंबकीय तत्व। तो ये पंच तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना है, लेकिन आज वो पंच तत्व आज हमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। आज हमें हवा अशुद्ध मिल रही है, आज हमें पानी अशुद्ध मिल रहा है, आज खाने के अंदर हजारों टाइप के केमिकल और पेस्टिसाइड पाए जाते हैं। देन सन की रेज हमें मिलती नहीं, क्योंकि हमारे हमारे शरीर को सुबह की 5-5:30 बजे की फार इंफ्रारेड रेज हमारे बॉडी को चाहिए, जिससे हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़नी चाहिए। लेकिन आज हम बड़े बड़े दीवारों के अंदर, कर्टन्स के अंदर, एसी के अंदर ओढ़ के सोए रहते, तो सुबह जो 5 बजे जो किरणें हमारे शरीर को पेनिटेट करना चाहिए फार इंफ्रारेड, वो भी आज हमें नहीं मिल रही। और पांचवा तत्व है मैग्नेटिक तत्व, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आज हमारे 3 फीट में लोहा है। तो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर वो हमारे आजू बाजू का लोहा अपनी ओर खींचता है। आप भले ही मैग्नेटिक पावर को अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन लोहा बराबर से देखता है, लोहा उस मैग्नेटिक पावर को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक पोलराइजेशन क्रिएट होता है, और जो पावर हमारे शरीर को चाहिए वो लोहा खा जाता है। अब ये पावर क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं। आप इंटरनेट पे डाल के देखना, हमारा ब्रेन और हमारा हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है अर्थ मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी, यानी हमारा नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम जो काम करती है, वो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के कारण वो नर्वस सिस्टम काम करती है। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर हमें नहीं मिल रहा है। तो हार्ट और ब्रेन, हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हार्ट एंड ब्रेन, ब्रेन एंड हार्ट। ब्रेन हार्ट को कमांड करता है, और हार्ट पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। ब्रेन और हार्ट हमारे शरीर से अगर निकाल दिया जाए तो हमारे बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू हो जाती है। तो हमारा हार्ट पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर को खींचता है और उसी के कारण पंपिंग करता है। हमारा हार्ट एक पंप है, जैसे इलेक्ट्रिक का पंप है, जैसे पानी का जो इलेक्ट्रिक का पंप होता है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, वैसे हमारा हार्ट भी वन टाइप ऑफ पंप, उसको चलने के लिए भी उसको चलने के लिए मैग्नेटिक पावर चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को पंपिंग करने के लिए पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर चाहिए। जो हमारे सराउंडिंग में होता है वो हमारा हार्ट, हमारा बॉडी उसको खींचता है, नाभि के जरिए खींचता है, और हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और पंपिंग करके पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फैलाने का काम हमारा हार्ट करता है। लेकिन हार्ट को अगर मैग्नेटिक पावर प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिली तो हार्ट प्रॉपर प्रोपोर्शन में ब्लड सप्लाई नहीं करेगा। देखिए, साइंटिफिकली प्रूव है कि हमारा हार्ट हर सेकेंड 70 ml ब्लड सर्कुलेट करता है, मतलब 70 ml जब जब वो धड़कता है तो 70 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर स्प्रे करता है।
लेकिन मतलब एक मिनट के अंदर एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी का हार्ट 5 लीटर ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देता है, लेकिन वो 5 लीटर ब्लड यानी हर सेकंड का 70 ml ब्लड तभी सर्कुलेट कर पाएगा जब उसको पृथ्वी की सफिशियंट मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज के दिन में पृथ्वी की सफिशियंट मैग्नेटिक पावर कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दिन ब दिन हमारे आजू बाजू में लोहा बढ़ता ही जाएगा तो धरती के ऊपर पोलराइजेशन होता ही रहेगा। आज से जो 150 साल पहले था नहीं, 150 साल पहले ये 5 एलिमेंट्स हमारे ह्यूमन बॉडी को प्योर मिलते थे। उस टाइम धरती के ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं था, हवा शुद्ध मिलती थी, पानी शुद्ध मिलता था, कुआ का मिनरल पानी मिलता था, खाने के अंदर कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं थे, सनराइज सुबह मिल जाती थी, क्योंकि शाम को बंदा 7 बजे सो जाता था, तो जिसके कारण वो सुबह 4-4:30 बजे उठ जाता था, तो उसके सन की जो फार इंफ्रारेड पूरी मिलती थी। उस टाइम लोगों के घर मिट्टी के पत्थर के घास के लकड़े के हुआ करते थे, लोग जमीन के ऊपर लकड़े के बेड के ऊपर सोया करते थे, नंगे पैर जमीन पे घूमते थे, तो पृथ्वी के साथ वो कनेक्टेड थे, तो उनको 100% मैग्नेटिक पावर मिलती थी। लेकिन इसमें से आज कुछ भी नहीं हो रहा है। आप सोच के देखो पिछले 40 साल में आप कब नंगे पैर जमीन के ऊपर चले हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो ये मैग्नेटिक जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करने वाली प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने हार्ट के बारे में बोला कि हार्ट पंपिंग करके पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस अपने पास खींचता है, तो वो किसके कारण हुआ? पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर मिला करके हार्ट पंपिंग कर रहा है। हार्ट की पंपिंग अगर रुक जाए तो पूरी बॉडी डेड हो जाती है, क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ब्लड मिलना बंद हो जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर 78 इंपॉर्टेंट ऑर्गन पार्ट्स हैं, जिसमें सबसे सेंसिटिव ब्रेन, हर एक ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम है हार्ट का। और हार्ट को अगर मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, वो स्लो फंक्शन करेगा, तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होगा। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और मैग्नेट का एक दूसरे के साथ क्या इंटरकनेक्शन है। मैंने अर्थ के बारे में आपको समझा दिया कि आपके आजू बाजू में सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मौजूद है, आपके बॉडी को लगी हुई सब जगह पे, हम बॉडी छोड़ो ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट के आजू बाजू में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फोटो निकालो, उसके आजू बाजू में आपको मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो मैग्नेटिक साइंस इज अ प्रूवन साइंस, और वो पावर आज हमें नहीं मिल रही, वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। ओके, तो अभी मैग्नेटिज्म, आयरन, ऑक्सीजन, इसका मैं कनेक्शन आपको समझा दूं कि इसका क्या कनेक्शन है और बीमारियां होती क्यों। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमारे शरीर में बीमारी होती ही क्यों है। तो मेरे 16 साल के रिसर्च में और स्टडी में जितना मैंने स्टडी किया है, आज अगर स्टडी की बात करूं तो इस मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 से भी ज्यादा इंटरनेशनल बुक्स मेरे पास मौजूद है। मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज सकता हूं करोड़ पेज की इंफॉर्मेशन। जैसे मैं 16 साल से पढ़ता गया तो मैंने मेरा एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना दिया है, एक उसके ऊपर मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर मिलती है, रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है, जो पीडीएफ मिलती है, वो मैंने जमा करके रखी है। और इतनी पीडीएफ मैंने जमा करके, इतने बुक्स मैंने जमा करके रखे कि आज अगर हम सब जन मिलकर स्टडी करने को बैठ जाए ना तो 500 से 550 साल लग जाएगा इस मैग्नेटिज्म को समझने के लिए। इतना बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुका है, इंटरनेशनल बुक्स ऑलरेडी आपको मार्केट में मिलेंगे, आप इंटरनेट पर जाके देखो। तो इतना स्टडी हो चुका है, इससे टाइम टेस्टेड मैग्नेटिज्म, इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनालिसिस करने से पैरालिसिस होता है, इससे प्रूव है। मतलब कोई ये बोल ही नहीं सकता कि मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज धरती पे नहीं होती। अगर वो बोलेगा तो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल आदमी हो सकता है, और ऐसे जाहिल लोग आपको आजू बाजू में मिल भी जाएंगे। आज तक जो मैग्नेट आप देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है। आज तक जो बचपन से आप खेलते आए, फ्रिज के ऊपर चिपकाने वाला, कबर के ऊपर चिपकाने वाला, स्पीकर के अंदर के मैग्नेट, वो ये मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट दो तरीके के होते हैं, एक आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, दैट्स अ हार्मफुल मैग्नेट फॉर आवर बॉडी, वो मैग्नेट हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन मैं जिस मैग्नेट के बारे में बात करता हूं उसका नाम है हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम, वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ नियोडिमियम मेडिकल ग्रेड बायोमैग्नेट। तो दिखने में बहुत छोटा होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, एकदम छोटा मैग्नेट है, शायद आपको आंखों से मतलब दिखेगा, लेकिन कैमरे पे कितना नेचर है नहीं चलेगा, इतना छोटा मैग्नेट है। दिस 1 ग्राम मैग्नेट इज इक्वल टू ऑर्डिनरी 100 kg मैग्नेट, मतलब 100 किलो मैग्नेट जितना आपको हेल्थ बेनिफिट दे सकता है उतना एक छोटा सा मैग्नेट दे सकता है। और इस मैग्नेट के कोई भी साइड इफेक्ट जरा भी नहीं है, ये मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट है, ये जमीन से 800, 1000, 1200 फीट नीचे से माइनिंग करके ला जाता है, ये रेयर अर्थ है, ये बहुत कम मात्रा में मिलता है धरती पे, बहुत कम मात्रा में मिलता है, दुनिया किसी 2 से 3 देशों में ही इसको ये मिलता है और कहीं नहीं मिलता।
इट्स अ वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। वो मैग्नेट आपको कभी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, जीरो साइड इफेक्ट, और उसके बेनिफिट्स बहुत है। हमारा बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर मैग्नेट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ नैनो सेकंड हमारे बॉडी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है, जिसके अलग अलग डेमोस्ट्रेशन में हम आपको दिखा दें। पानी का एक बूंद आपके हाथ के ऊपर छिड़क के हम आपका एनर्जी लेवल दिखा देते, जिससे आपको एक सिग्नल, एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका बॉडी कितना कमजोर है, और ये मैग्नेट आपके बॉडी के ऊपर कैसे काम करना शुरू कर देता है। तो विद इन अ सेकंड आपके बॉडी पे वो मैग्नेट काम करता है, और हमारा बॉडी भी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ नैनो सेकंड मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करता है। अब मैग्नेट को रिस्पॉन्ड करने के कारण हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। अब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से होता है कि मैग्नेट ब्लड सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 3.5 से 4 ग्राम आयरन होता है, और वो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी के अंदर प्ले करता है। अगर हमारे शरीर में से आयरन नाम का कंपोनेंट अगर हम 45 सेकंड के लिए भी शरीर से बाहर निकाल देंगे ना, तो 46वें सेकंड में इस धरती के ऊपर हम जीवित नहीं बचेंगे, इतना जरूरी आयरन। तो उस आयरन नाम के कंपोनेंट के बारे में हम समझेंगे, आयरन होता क्या है। ये हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर हमारा ब्लड सेल से बना है। उस ब्लड सेल्स के अंदर होता है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है, और उस आयरन नाम के कंपोनेंट में एक ह्यूज कैपेसिटी होती है हमारे बॉडी के अंदर। जो लंग्स में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, उस लंग्स में जाके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना, ऑक्सीजन को स्टिक करना, ऑक्सीजन को अटैच करना, ऑक्सीजन को बाइंड करना, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने का काम हमारे शरीर का आयरन नाम का कंपोनेंट करता है। ये आयरन दिखने में छोटा नाम है, और बॉडी में भी बहुत कम, मतलब सिर्फ 3 से 4 ग्राम हमारे बॉडी में होता है। आमतौर पर 3.5 से 4 ग्राम होता है एडल्ट ह्यूमन मेल बॉडी में, और लेडीज में थोड़ा कम होता है। तो ये 4 ग्राम का आयरन हमारे पूरे शरीर को जिंदा रखने में हेल्प करता है, क्योंकि वो वही एकमात्र कंपोनेंट है जो हमारे शरीर के ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, टोटल टॉप टू बॉटम, बाल से लेकर नाखून तक ब्लड सेल से बना है। ये बाल भी ब्लड सेल से बने हैं, ये नाखून भी ब्लड सेल से बना है, ये स्किन भी ब्लड सेल से बनी है, ये हड्डी भी ब्लड सेल से बनी है। शरीर के अंदर जितने भी तमाम स्पेयर पार्ट है सारे के सारे ब्लड सेल से बने हैं, और ब्लड सेल्स का प्राइमरी खुराक है ऑक्सीजन। एक एवरेज साइंस क्या कहता है कि एवरेज 65 kg की बॉडी को, बॉडी के अंदर तकरीबन 120,000 कैलोरीज होती है। 65 kg की ह्यूमन बॉडी के अंदर 120,000 कैलोरीज होती है, और वो 65 kg की बॉडी को एक दिन 24 घंटा जिंदा रहने के लिए 2,000 कैलोरीज चाहिए। तो मान के चलो आपके पास 120,000 कैलोरीज ऑलरेडी है, दिन में जिंदा रहने के लिए 2,000 कैलोरीज चाहिए, तो 120,000 डिवाइडेड बाय 2,000, तो 65 kg की ह्यूमन बॉडी अगले 7 दिन तक विदाउट एनी न्यूट्रिशियस, विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी सप्लीमेंट जिंदा रह सकती है। यानी फूड न्यूट्रिशन है सप्लीमेंट की हमारे शरीर को अगले 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए कोई जरूरत नहीं, वर्स्ट केस में हमारा बॉडी जिंदा रहेगा। अगले 15 से 16 दिन हमारा बॉडी वर्स्ट केस में पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर हम चंद सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर आपको शक है तो आपका खुद का ही मुंह और नाक दबाना जोर से, 50 से 60 सेकंड के अंदर ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, इतना जरूरी ऑक्सीजन है। और मैग्नेटिज्म के ऊपर 2000 बुक्स और करोड़ों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसको सबको स्टडी करने के बाद इसका कंक्लूजन एक ही आता है, मैग्नेट इंप्रूव योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो ऑक्सीजन मैग्नेट है वो ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। देखिए, मैं अगर मेरी रूम की खिड़की को खोल देता हूं, विंडो को खोल देता हूं, तो हवा अंदर आती है, तो विंडो ने सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन तो अपने आप अंदर आया। तो मैग्नेट शरीर में ऑक्सीजन नहीं बनाता है, वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ता है, मैं आपको अभी साइंटिफिक बेस से समझाता हूं। हमारे शरीर के अंदर जैसे मैंने हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन, अच्छा मुझे बताइए मैग्नेट दुनिया में सिर्फ किसको अट्रैक्ट होता है, सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट होता है। हमारे बॉडी के अंदर 3.5 से 4 ग्राम आयरन मौजूद है, पूरे शरीर के अंदर, पूरे ब्लड के अंदर इतने क्वांटिटी में आयरन मौजूद है, राइट। मैग्नेट ना लकड़े को अट्रैक्ट होता है, ना सीमेंट को अट्रैक्ट होता है, ना गोल्ड को अट्रैक्ट होता है, ना डायमंड को अट्रैक्ट होता है, ना रबर को अट्रैक्ट होता है, ना कपड़े को अट्रैक्ट होता है। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट होता है, ओनली
एंड ओनली आयरन को, ओके, लोहे को आयरन अट्रैक्ट होता है। तो जैसे आप मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आते हो, जैसे हमारे आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस में सोते हो, या बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पानी पीते हो, या हाथ में बायोमैग्नेटिक जंबो किंग ब्रेसलेट पहनते हो, या अभी हमने तो कल से स्नोरी का प्रोडक्ट भी देना शुरू कर दिया, मतलब कल से शुरू हो जाएगा स्नोरी प्रोडक्ट, माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट है, जिसको भी स्नोरिंग है उसको प्रोडक्ट लेना है। देन फूड पेन के लिए भी बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट कल से डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया है, आने वाले 4 से 5 दिन में, मैक्सिमम 7-8 दिन में, डिपेंड ऑन डिस्टेंस, आपके हाथ में वो आना शुरू हो जाएगा। और बहुत सारी 32 से भी ज्यादा मैग्नेटिक प्रोडक्ट हम लोग आने वाले दिनों में ला रहे, राइट। तो ये मैग्नेट क्या करता है, हमारे जैसे मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आते हो तो ये आयरन नामक कंपोनेंट पे अट्रैक्ट होता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन मतलब आयरन को लेकर भागना शुरू कर देता है। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, एंड मैग्नेट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों एनर्जी, हमारी ब्लड सेल्स और मैग्नेट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होने के कारण आयरन को लेके मैग्नेट भागना शुरू कर देता है, तो जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। उसको एक साइंटिफिक वे से मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। अभी यहां पर देखो पानी की बॉटल है और मैंने पानी पिया, अब इसमें 40% पानी है और 60% वाटर है, क्लियर। तो ये तो एग्जांपल हुआ, जहां पर साइंस क्या बोलता है, जहां पर एंटी स्पेस है वहां पर नैनो सेकंड में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। अब नैनो सेकंड मतलब क्या होता है, 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा, मींस नैनो, ओके। तो जहां पर एंटी स्पेस है वहां पर ऑक्सीजन अपने आप पहुंच जाता है, उसको पहुंचाने की जरूरत, अपने आप पहुंच जाता है। अब मान के चलो ये आगे मैग्नेट है और मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है। दिख रहा है आपको ये काला हिस्सा, मतलब आयरन है, आप समझ के जो क्या ये काला हिस्सा जो आपको दिख रहा है आयरन है। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागना शुरू कर देता है, और भागता भी कौन से स्पीड से मालूम है आपको, लाइट के स्पीड से वो भागना शुरू कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, लाइट के स्पीड से। तो भागने के कारण क्या होता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, एम्प्टी स्पेस, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है। और एम्प्टी स्पेस नहीं, उसके अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन इज इनविजिबल, अनलाइक वेट, मतलब ऑक्सीजन का वेट ही नहीं होता है। तो इसके अंदर अभी ये खाली नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, जैसे इसको आगे करूंगा तो ऑक्सीजन वापिस नैनो सेकंड के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा। तो बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैसे बढ़ता है। ऑक्सीजन का महत्व क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब ही प्राण वायु, ओके। तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 ब्लड वेसल्स है, और उस 72,000 ब्लड वेसल्स की लंबाई तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर है, तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर उसकी लंबाई है। तो जैसे हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर वो ऑक्सीजन आ जाता है, और जैसे ही वैक्यूम क्रिएट होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आयरन क्या करता है, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेकर भागना शुरू करता है, तो हमारी ब्लड वेसल में खाली जगह पैदा हो जाती है, और उस खाली जगह पे हमारे लेफ्ट और राइट के अंदर जो लंग्स है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जो नाक से हमने खींचा हुआ ऑक्सीजन वहां पे जो स्टोर होता है, वो पूरे ब्लड वेसल के अंदर फैलना शुरू हो जाता है। और ब्लड वेसल के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन। तो उसमें आयरन नाम का कंपोनेंट क्या करता है, जो ब्लड वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन मिलता है उसको एब्सॉर्ब करता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन स्टिक होना शुरू हो जाता है, वो ब्लड वेसल के अंदर जो ऑक्सीजन आता है वो अटैच होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन ही चाहिए ना, मैंने बोला 7 दिन खाना नहीं मिले तो चलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन एवरी सेकेंड मिलना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है, और ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्लड सेल्स हेल्दी रहेगा। दुनिया की कोई भी बीमारी आपके शरीर में एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा शरीर इस कुदरत ने 150 साल टिक जाए इस हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 45, 50, 60 साल, 65 साल में खत्म कर देते, बर्बाद कर देते, कमजोर कर देते। लेकिन अगर आपके ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो हेल्दी रहेगा, क्योंकि ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक ही ऑक्सीजन है। तो ये मैग्नेट क्या करता है, आयरन को लेके भागने के कारण खाली जगह पैदा होती है, जिसमें हमारा लंग्स का ऑक्सीजन वहां पर चलना शुरू हो जाता है, और हमारा नाक जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन का महत्व बहुत बहुत जरूरी है। अगर ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, अगर ब्लड सेल्स का ऑक्सीजन कम मात्रा में मिला तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचानना भूल जाता है, और दुश्मन के रूप में वायरसेस और बैक्टीरिया
हमारे ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होते हैं, और दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सेल से ही शुरुआत होती है। दुनिया की हर बीमारी ब्लड सेल से ही शुरुआत होती है। इसीलिए कोई भी बीमारी को चेक करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले आपका ब्लड का टेस्ट करता है, उसके बाद अलग अलग टेस्ट करता है। तो ब्लड के अंदर से ही दुनिया की हर बीमारी एंटर होती है, और ब्लड मतलब ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अगर ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा, जो कि काम यह मैग्नेट करता है, जो कि यह मैग्नेट काम करता है, ब्लड सेल्स को अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। ब्लड सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, ब्लड सेल्स अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, ब्लड सेल डेड तो बॉडी डेड। तो ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो मैग्नेट हेल्प करता है। मैग्नेट के ऊपर करोड़ों करोड़ों इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे मिलेगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ दो ही तरीके से बढ़ाया जाता है, एक तो योगा एक्सरसाइज जिम करके, जो कि करोड़ों लोगों को मालूम है लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। दूसरा नेचुरल बायोमैग्नेट के जरिए आप आपके शरीर का नेचुरल तरीके से जीरो साइड इफेक्ट के जरिए तरीके से शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये दो ही रास्ते हैं। दुनिया के किसी भी मेडिकल स्टोर में ऑक्सीजन बढ़ाने की कोई भी दवा नहीं मिलती, अगर मिल भी जाए तो उसके लाखों साइड इफेक्ट होंगे, पहली बात तो मिलती ही नहीं। तो ये नेचुरल तरीके से ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, 5.5x6 का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आपको आपके एग्जिस्टिंग बेड पे, छोटा सा पतला सा आधा इंच का मैग्नेटिक पैर होता है, बेड होता है हमारा, मैग्नेटिक मैट्रेस पैर बोलते हैं उसको, नॉट अ बेड, वो बेड के ऊपर डालना होता है, और उसके ऊपर आपको कॉटन की बेडशीट डाल देनी, कंपल्सरी कॉटन की बेडशीट डालनी है, और एक पिलो पैड भी देते हैं हम लोग, आपके पिलो के तकिया का जो कवर होता है उसके अंदर उसको डाल देना है। उसके अंदर भी हाई इंटेंसिटी के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग उस मैट्रेस को बनाते हैं। दुनिया में अभी डुप्लीकेट भी आना चालू है, नॉन टेक्निकल भी आने चालू है, तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको ई बायोडोरियम का नेचुरल होलोग्राम लगा हुआ ही मैग्नेटिक मैट्रेस पैड लेना है, राइट। तो उसके अंदर नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक मैग्नेट हम लोग इंटीग्रेट करके उसको साइंटिफिक वे से बनाते, 16 साल से हम लोग यही मैग्नेट बनाते आ रहे हैं, राइट। तो उसके ऊपर जैसे सोते वैसे आपको सो जाना है, मैग्नेट अपना काम करेगा और आपका बॉडी आपका काम करेगा, आपको सोने का काम करना, मैग्नेट अपना काम करेगा, तो इतना जरूरी है मैग्नेट। और सबसे बड़ी बात, जब हम सोते हैं तो 95% हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है। जब हम सोते हैं तभी हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क होता है। तो आप अगर मैग्नेटिक मैट्रेस में सोएंगे तो आपके ब्लड सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, अगर प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो आपके ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। देखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर मैक्सिमम आपको ब्लड बेड रेस्ट देता है, क्योंकि डॉक्टर को मालूम है दवा काम करे ना करे, बंदा अगर बेड रेस्ट लेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जब आप 8 घंटा सो जाते हो तो 16 घंटे आपके ब्लड सेल्स काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नींद बहुत जरूरी है, और ये प्रोडक्ट जो है हमारा, किसी कस्टमर को ढूंढने जाने की जरूरत है, दुनिया का हर बंदा सोता है, और हम लोग इंसान के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे, प्लांटेशन के लिए भी प्रोडक्ट, अलग अलग चीजों के लिए हम लोग ये प्रोडक्ट लेकर आ रहे, इतना जरूरी है मैग्नेट। और ये 16 साल में मैंने रिसर्च करके चीज पाई है, 99.99% कॉजेस ऑफ द डिसीज एंड डिसऑर्डर एंड एनी टाइप ऑफ बॉडी पेन ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल। हमारे शरीर के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है। तो ना हो करके हमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर शरीर में कुछ हुआ होगा तो भी हमें ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना होगा, और ब्लड सर्कुलेशन नेचुरल तरीके से इंप्रूव करने के लिए यह मैग्नेटिज्म की जरूरी है। यह नेचुरल मैग्नेट है, जैसे हम नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ के उसका पानी पी लेते हैं, नारियल खा लेते, वैसा ही जस्ट ये मैग्नेट है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसके लिए कोई दुनिया में परमिशन लेने की जरूरत नहीं, ये एकदम नेचुरल होता है, कभी भी साइड इफेक्ट नहीं होता। पिछले 16 साल से एक ही छत पे, एक ही टेबल पे, एक ही कुर्सी पे बेच के हम करोड़ों प्रोडक्ट्स हम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। जो ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पूरी दुनिया का ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे पास है, हमारे इंडिया में है। और जो लेवल पे हम लोग मैग्नेटिज्म को अवेयरनेस क्रिएट कर रहे, दुनिया में मुझे एक कंपनी और एक बंदा बताओ कि जो लेवल पे हम मैग्नेटिज्म को प्रमोट करें, मैग्नेटिज्म को अवेयरनेस करें। लाखों बुक लोगों ने छापी, हजारों बुक छापी, हजारों आर्टिकल्स मैग्नेटिज्म के ऊपर आपको मिलेंगे, लेकिन जो लेवल पे हम मैग्नेट को पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करें, वो शायद ही कोई करता होगा। भारत के 29 राज्यों में हमारा काम चल रहा है, और आने वाले दिनों में हम लोग 150 से 200 देशों में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से ये मैग्नेटिज्म काम करता है। अभी बीमारियां होती क्यों, मैं बताता हूं आपको, डायबिटीज के ऊपर थोड़ी बात बताता हूं। डायबिटीज हमारे शरीर में क्यों होता है, डायबिटीज और हाई बीपी
और बॉडी पेन प्योरली ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड बीमारी है। अभी ध्यान से आप समझिएगा, आपको वक्त है तो मैं आपको समझा देता हूं, और अगर 5-10 मिनट में इसको कंक्लूड करूंगा, 5-10 मिनट वेट करो। डायबिटीज मीठा खाने से कभी नहीं होता है। डायबिटीज आपके शरीर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके कमी के कारण होता है। देखो बाय डिफॉल्ट हमारा खाना जो है वो कार्बोहाइड्रेट खाना है। आप कुछ भी खाओ, वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, 1.5 से 2 घंटे के बाद उसका कन्वर्जन ग्लूकोज और फैटी एसिड ये दो ही चीजों में होता है। 2.5 घंटे के बाद हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे शरीर के अंदर पैनक्रियाज है, वो पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है, और इंसुलिन का काम होता है हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करना, ग्लूकोज को बैलेंस करना, ग्लूकोज को जला के उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम पैनक्रियाज का होता है। लेकिन पैनक्रियाज भी ग्लूकोज को तभी जला पाता है जब आपको आपके शरीर की डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं और वो लंग्स में जाता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रोडक्ट आपके पास नहीं होने के कारण जो लंग्स का जो स्टोर ऑक्सीजन है पूरे बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से फैलता नहीं, यानी वो डिजॉल्व ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैलता नहीं, जिसके कारण पैनक्रियाज को सॉरी इंसुलिन को जितना प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलना चाहिए उस ग्लूकोज को जलाने के लिए, उतने प्रोपोर्शन में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलता, और डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो ग्लूकोज पैनक्रिया इंसुलिन थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, थोड़ा बहुत जलाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है, और 5-7 साल 10 साल के बाद धीरे धीरे वो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर, वो शुगर हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, और आगे जाके उसी को आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बोलते हैं। और शुगर की बीमारी ये कैंसर और एड्स से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। एड्स वाला 20 साल जिंदा रह सकता है, लेकिन डायबिटीज वाले के अगले 20 मिनट की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डायबिटीज वाला ब्लड हम जो नाक से जो सांस लेते हैं उसको उस ऑक्सीजन को ऑर्गन पार्ट तक यानी ब्लड सेल्स तक जाने के लिए रोकता है, क्योंकि वो ठीक हो जाता है, गुलाब जामुन के पानी की तरह हो जाता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं होता, और नहीं होने के कारण हमारे ऑर्गन पार्ट हमारे ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं, और कोई भी बीमारी छोटी सी बीमारी हमारे शरीर को खत्म कर देती है। कोरोना में सबसे ज्यादा लोग जो मरे वो हाई बीपी वाले मरे, सबसे ज्यादा लोग मरे वो डायबिटीज वाले मरे, कैंसर वाले मरे, एड्स वाले मरे, क्योंकि उनके ब्लड सेल्स कमजोर होते। लेकिन डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी, डायबिटीज प्योरली ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ही होती। और उसका लाइव और एग्जांपल मैं आपको दूं, आप एक मोमबत्ती को लो, मोमबत्ती को लाइटर से जलाओ, और जलने के बाद उसके ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रखो, 20 सेकंड के बाद वो मोमबत्ती बुझेगी। वो मोमबत्ती बुझी तो क्यों बुझी और 15 सेकंड जली तो क्यों जली? क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण वो मोमबत्ती नहीं जल पाई, और ऑक्सीजन जैसे मिलना चालू हो जाता तो मोमबत्ती जलना शुरू हो जाती है। तो जैसे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपके शरीर का इंसुलिन क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर के डिपॉजिट ग्लूकोज को जलाना शुरू करेगा, और जैसे जलाना शुरू करेगा तो आपकी शुगर धीरे धीरे कम होगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और कंपनी कभी भी कोई वारंटी गारंटी कोई भी चीज का कोई क्लेम नहीं करती, और ये किसी भी बीमारी की कोई दवा नहीं है। तो आप कृपा करके मुझे ये सवाल कभी भी मत पूछना, इस बीमारी के लिए चलेगा, उस बीमारी के लिए चलेगा, इसके लिए चलेगा, उसके लिए चलेगा, ये बात में कोई दम नहीं है। क्योंकि मैंने अभी आपको चिल्ला चिल्ला के क्या समझाया, हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स यानी हड्डी किससे बनी, ब्लड सेल से, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट किससे बना, ब्लड सेल से। तो ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो प्रॉब्लम रिवर्स होगा। अगर आपने आपके बॉडी की चिथड़े उड़ा दी है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं। तब ये प्रोडक्ट मतलब अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का मतलब क्या होता है, आपकी जो डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही उसको भी चलने दो, आपकी जो मेडिसिन चल रही उसको भी चलने दो, आपका जो डाइट चल रहा है उसको भी चलने दो, आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है उसको भी चलने दो, उसको छोड़ना नहीं है। इस अल्टरनेटिव सपोर्टिंग करके आप हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स को यूज करो। अगर आपकी दवा भी काम नहीं करी और मैग्नेट भी काम नहीं कर रहा, मतलब आपने आपके बॉडी के चिथड़े उड़ा दिए हैं, आपने दवा ले लेकर ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन खींचने की क्षमता को मार दिया है, तो ऐसे लोगों में मैग्नेट भी कभी काम नहीं कर पाएगा। अगर आपके ब्लड सेल्स के आपने चिथड़े उड़ा दिए तो मैग्नेट भी आपके काम नहीं करेगा। तो 100 में से 2-5% लोगों पर मैग्नेट कभी काम नहीं भी करेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं किस पे करेगा किस पे नहीं करेगा। तो ये मैग्नेट यूज करो, यूज करके देखो, ईच एंड एवरी पर्सन को यह मैग्नेटिक प्रोडक्ट चाहिए। जब भी पानी पियो मैग्नेट का पानी पियो, हाथ में जंबो किंग ब्रेसलेट डाल के घूमो, और रात को जब भी आप सो गए कम से कम 8 घंटे के लिए उस बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स में सोना, 8 घंटा मिनिमम एक एडल्ट बॉडी को सोना चाहिए, तो ह्यूमन बॉडी अच्छी जिंदा रहेगी। तो ये तरीका, हाई बीपी भी वही है,
हमारी जो बॉडी की ब्लड वेसल है वो मैक्सिमम 80-120 ब्लड प्रेशर को ही झेल सकती है, लेकिन आज हमें मैग्नेटिक पावर कम मिलने के अगर हार्ट को प्रेशर से सर्कुलेशन करना पड़ता है और प्रेशर से पुल एंड पुश करता है, तो ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट जब हम यूज करेंगे तो हार्ट स्मूथली पुल एंड पुश करेगा। आप अगर ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक पानी नहीं पिएंगे या मैग्नेटिक प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा, हार्ट जो है स्ट्रांगली एकदम रफली ब्लड को पुल एंड पुश करेगा, और जब वो 120 के ऊपर जाएगा तो हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लॉकेजेस आना चालू हो जाते हैं जिससे ब्लड को आगे जाने में दिक्कत होती। तो पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को स्मूथली अगर आपको पुल एंड पुश करवाना है यानी सर्कुलेट करना है तो इस बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पर सोना है, दिन भर बायोमैग्नेट के पानी पीना है, रात को सोते टाइम भी पानी पीना है, मिराकल काम करेगा। लेकिन फिर दोबारा मैं दोहराता हूं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है और कंपनी किसी भी चीज का कोई क्लेम वारंटी गारंटी कभी भी नहीं देती। ये मैग्नेट नेचुरल तरीके से काम करता है, मैग्नेट के ये मैं बोलता हूं करके नहीं, इसके ऊपर करोड़ों पेज की साइंस ऑलरेडी दुनिया में मौजूद है। रामायण महाभारत में भी मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है और करोड़ों साल से ये मैग्नेटिज्म धरती के ऊपर अस्तित्व में है, सिर्फ आप भूल गए उसको याद दिलाने का काम हम कर रहे हैं। तो एक दो पॉइंट मुझे अभी कुछ याद आ रहे हैं, मैं जरा मेरे व्हाट्सएप पे चेक करता हूं, अगर मुझे कुछ पॉइंट अगर मिले तो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग सिस्टम, ब्रेन फंक्शनिंग उसके बारे में मैं बताया, रूट कॉज के बारे में बताया, जो फाइव एलिमेंट्स के बारे में बताया, हमारी हमारी जो बॉडी पंच तत्वों से बनी है और हमारा बॉडी हील होता है, हमारी बॉडी टोटल हील होती है। जैसे मेरे हाथ को कोई स्क्रैच लग गया और मेरे गाड़ी को स्क्रैच लग गया तो किसका स्क्रैच 2 महीने के बाद दिखेगा, मेरे हाथ का या गाड़ी का? गाड़ी का कभी भी नहीं जाएगा, मेरे हाथ का पता भी नहीं चलेगा कहां पर है, तो मेरे बॉडी का जो स्क्रैच हो टोटली इनविजिबल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि अपनी बॉडी हील करती है। आप हमें जो भी होता है उसको हमारे बॉडी में हीलिंग कैपेसिटी है और ये मैग्नेट भी हमारे बॉडी को, ये बायोमैग्नेट भी हमारे बॉडी को हील करने में मदद करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है जिससे आपके बॉडी का चर्बी को जला देता है, ग्लूकोज को जला देता है और बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज यानी बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है। ये नहीं कि वो करता है, हेल्प करता है, डिपेंडिंग हर एक का बॉडी अलग अलग है, किसने कितना डैमेज किया हमें मालूम नहीं, शक्ल देख के मालूम नहीं पड़ता। तो ये मैग्नेट आपके बॉडी को हील करता है, हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेसिटी है। अब दुनिया का कोई भी जानवर कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो कुदरत से ही अपने आप हील हो जाता है। हमें कौन हील करता है? हवा हील करती है, पानी हील करता है, खुराक हील करता है, सन की रेज हील करती है और मैग्नेटिक पावर हील करता है। अभी मैं आपको इतना बता दूं हीलिंग क्या होता है, नेचुरल हीलिंग क्या होता है। जब ये प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है 8वें महीने में तो वो अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता, अपनी उंगलियां भी नहीं हिला सकता और उसको बचाने के लिए मेडिकल साइंस के बाद दूसरा कोई भी इलाज नहीं है। उस बच्चे को 8 महीने के बच्चे को एक कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से उसको सिर्फ फायर इंफ्रारेड रेज दिया जाता है। अगले दो से तीन महीने में उस बच्चे के अंदर जान आती है, एनर्जी आती है, शक्ति आती है और बच्चा एनर्जेटिक बनता है। तो ये 5 एलिमेंट्स की ताकत में समझता। अरे 5 एलिमेंट्स छोड़ा तो 6वें किसी भी एलिमेंट्स की हमें हमारे शरीर को तो जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत होती मुझे बता। ये 5 एलिमेंट जो मैंने बोला बताया आपको, हवा, पानी, खुराक, सनरेज, मैग्नेटिक पावर, सब कुछ मिला, हवा नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला पानी नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिला खाना नहीं मिला जिंदा रह सकते, सब कुछ मिल रहा है लेकिन सन की रेज ही नहीं मिल रहा जिंदा रह सकते, मल्टीपल बीमारियां शरीर में आएगी, और सब कुछ मिला पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर नहीं मिलेगी तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्टक हो जाता है और डेड बॉडी का कभी भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, चाहे कितना भी काटो उसको ब्लड सर्कुलेशन का डेड बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। तो आज हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम करता है हमारा मैग्नेट, हमारा पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर है। हमारा हार्ट पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और जब उसमें से ऑक्सीजन खत्म होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है यानी इम्प्योर ब्लड बन जाता है। तो हार्ट क्या करता है, उसको वापिस हार्ट में पुल करता है, पुल करके लंग्स के अंदर पुश करता है। जैसे लंग्स के अंदर वो इम्प्योर ब्लड जाता है उसके अंदर का जो हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर का जो आयरन कंपोनेंट है हमारे लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, बाइंड करता है, स्टिक करता है, अटैच करता है और पूरे बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन जो एब्सॉर्ब किया ऑक्सीजन पूरे बॉडी के अंदर फैलाने का काम करता है। ये आयरन का काम है, आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट होता है। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, हमारी पृथ्वी मैग्नेट है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर आयरन है, सराउंडिंग में सब जगह पे जहां जहां पर आप ऑक्सीजन है वहां वहां पर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी अस्तित्व में है। तो ये इतना जबरदस्त ये काम है
और मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दी है, ब्लड सेल्स, हमारा पूरा यूनिवर्स में मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है, ब्रेन की नर्वस सिस्टम जो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है, हमारा हार्ट मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है, तो हमारे सराउंडिंग में सब जगह पर मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी है जो आज हमें कम मात्रा में मिल रही, क्योंकि आज हमारे 3 फीट में लोहा है। आज के दिन में मेरे ख्याल से ये प्राइमरी है, इसके ऊपर मैं अगले 24 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन आज जो नए लोग हैं उनके लिए काफी है। तो मैग्नेट की प्रोडक्ट यूज करो, ये बॉडी को, बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, और बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके हम जो नाक से सांस लेते हो, जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, लंग्स के अंदर जो लेफ्ट और राइट के जो अंदर 600 ml के जो लंग्स है हमारे, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके पूरे बॉडी के अंदर फैलाने के लिए मैग्नेट हेल्प करता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा साइंस, आप समझिए इसको प्रॉपरली। तो मेरे ख्याल से आज के दिन इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतरीन आपका सेशन रहा, काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे थे इस समय आपके सेशन को लेकर, एंड मैक्सिमम नॉलेज जो हम सबको चाहिए आज ग्रोथ के लिए वो आपने प्रॉपरली दी, एंड वी आई एम वेरी हैप्पी टू से कि इस समय हमारे जो पार्टिसिपेट थे वो 2000 से प्लस गए। दिस इज द पावर ऑफ की बात, आपकी ट्रेनिंग की पावर। काफी क्वेश्चन थे, काफी हैंड रेस थे, हम हर एक का तो ले नहीं पाएंगे बिकॉज उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो मैं जो मेनली क्वेश्चंस आ रहे थे हमें क्वेश्चंस आंसर में चैट बॉक्स में, मैं उसका आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और हम उसका आप मुझे प्लीज सबको जवाब मिल जाएगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल सबका ये क्वेश्चन आ रहा है कि कितने दिन बाद हमें एक रिजल्ट दिखना शुरू होगा आफ्टर यूजिंग द मैट्रेस एंड द वाटर एनर्जी पैड। देखो इसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, डिपेंड है कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है। देखो नीचे लो थोड़ा, देखिए आप दुनिया के किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाते हो, किसी सुपर स्पेशलिस्ट से भी आप इलाज करवाते हो, तो डॉक्टर और दवा थोड़ा बंद कर दीजिए। हाँ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करती है और आपके ब्लड सेल्स की आपने मतलब ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की क्या ताकत है। मतलब बहुत लोग अलग अलग एडिक्शन, अलग अलग व्यसन के कारण ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, उनकी एक अलग अलग ब्लड सेल्स के अपनी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की। तो आपके ब्लड सेल्स ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की क्या कैपेसिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं, सामने वाले को 5 मिनट में भी और रिजल्ट मिलता है, किसी को 5 दिन भी लगता है, किसी को 50 दिन भी लगता है, किसी को 500 दिन भी लगता है, डिपेंड से। इसके कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन मैग्नेट हमारे बॉडी के ऊपर उसी सेकंड से काम करना शुरू कर देता है। और हमें ये प्रोडक्ट किसके लिए लेना है, हमारे बॉडी के लिए लेना है, जिसमें हम रहते हैं उसके लिए लेना है, ये बॉडी की खुशी के लिए। अगर हम लोग बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेते हैं तो ये मैग्नेट हमको उसी के लिए लेना है, तो इसके कोई ऐसे फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। और दूसरा कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं। यस सर, एक और क्वेश्चन सबका आ रहा है कि जैसे कि हम कई बार बोलते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर डिजीज पे काम नहीं करता, क्योंकि काफी लोग ऐसे कह रहे हैं सर इस पे काम करेगा, इस डिजीज पे करेगा, उस डिजीज पे करेगा, तो मैं चाहूंगा वो भी कम शब्दों में इसका जवाब दे दे कि एक्चुअली ये हर मैंने यही बोला ना, ये किसी भी बीमारी की बिल्कुल भी दवा नहीं है। आपको जो अभी आपके शरीर में कोई भी अगर प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्गन के ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है करके आपके शरीर में वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाना होगा। जैसी शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाएंगे तो जो आपका प्रॉब्लम है उस एरिया के ब्लड सेल्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन मिलेगा, तो उस एरिया के ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी होंगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपका रिवर्स होगा। बाकी आपकी मेडिसिन, आपकी ट्रीटमेंट भी आपको चालू रखनी है। ओके, एंड सर लास्ट वन क्वेश्चन मोर, क्योंकि ये भी बहुत सिमिलर क्वेश्चन सब कह रहे थे कि हमारे जो मैग्नेट है उसकी एक सिंगल मैग्नेट क्या गॉस पावर है, और हमारे प्रोडक्ट्स में कितने मैग्नेट्स हम यूज कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट्स में अलग अलग होती है, हर प्रोडक्ट्स में अलग अलग है। जनरली हमारे पास जो मैग्नेट से 3000 से 5000 गॉस पावर का मैग्नेट होता है, जिसमें हमारी प्रीमियम क्वालिटी भी होता है उसमें, और हाई इंटेंसिटी होता है। अगर आपके पास 2500 ज्यादा खर्च करने के लिए है तो आप प्रीमियम क्वालिटी का लो। एक तो उसमें मैग्नेट की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, मैग्नेट की साइज भी बड़ी होती है, मैग्नेट की पावर भी बड़ी होती है। जैसे हमारी 3x6 की एक नॉर्मल जो हमारा है उसमें 110 मैग्नेट होते हैं, यानी 90 मैट्रेस में होता है और 20 जो होता है पिलो में होता है, और डबल होता है उसका डबल होता है, जो 5.5x6 में है उसको 220 मैग्नेट होते हैं, 20-20 पिलो के अंदर होते और 180 इसके अंदर होते, अपने मैट्रेस के अंदर होते। वाटर एनर्जी पैड में 30 होते हैं,
और ब्रेसलेट के अंदर तकरीबन 33 होते हैं, और जो प्रीमियम क्वालिटी का हमारा जो मैट्रेस है उसमें बड़े साइज के मैग्नेट होते हैं, मोटे साइज के मैग्नेट होते हैं, और उसमें 130 मैग्नेट होते हैं, जिसमें से 100 मैट्रेस में होते हैं और 30 पिलो में होते हैं, और 5.5x6 में एग्जैक्टली उसके डबल होते हैं, यानी 260 होते हैं। तो आपके बेड के साइज के हिसाब से आप इसको लेना है। अगर आपका बेड 6x6 का है तो 5.5x6 का आपको लेना चाहिए, 3x6 का नहीं लेना चाहिए, और 4x4 फीट के अंदर का हो तो 3x6 का आपको लेना चाहिए, और फैमिली की ईच एंड एवरी पर्सन को इसको देना है। अच्छा, सबसे पहला ये प्रोडक्ट उसने यूज करना है जो अपने आपको हेल्दी समझता है, उसने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को एज ए प्रिवेंशन यूज करना है। ये प्रिवेंशन के हिसाब से हम ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, और जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको तो लेना ही लेना है, क्योंकि सिंपल है, वो दवा भी आप पे तभी काम करेगी जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आप इंप्रूव करोगे, तभी आपके शरीर के ऊपर वो दवा काम करेगी। जो भी न्यूट्रिशंस आप ले रहे हो, जो भी सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, जो भी आप फूड ले रहे हो, वो तभी आपके ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होगा जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम परफेक्ट होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में आपको हेल्प करता है। तो ये पर्टिकुलर किसी भी बीमारी की दवा नहीं है, ये सिर्फ बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है, और ऑक्सीजन बढ़ने से सारे प्रॉब्लम आपके नॉर्मल हो जाते हैं। सिंपल है, 1000 बात की एक बात, आपके प्रॉब्लम को आपको रिवर्स करना है तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाओ, और ऑक्सीजन बढ़ाने में मैग्नेट हेल्प करता है, इट्स प्रूवन। अगर सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ, ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हुआ, ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे रिवर्स होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी ब्लड सेल्स की ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने की क्षमता अगर कमजोर हो चुकी है तो उसमें आपको वक्त लग सकता है, और हो सकता है आपको उसके बेनिफिट नहीं भी मिले। थैंक यू। और कुछ सर? लास्ट वन क्वेश्चन, हु कैन नॉट यूज दिस मैट्रेस? हाँ, वो आपका रह गया। इसमें सिंपल है, 3 लोग दुनिया में इसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ 3 ही लोग, जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो यूज नहीं करेगा, जो 3 महीने से ज्यादा लेडी प्रेग्नेंट है वो यूज नहीं करेगी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है वो यूज नहीं करेगा, बाकी 4th कोई भी इस बॉडी कोई भी इसमें नहीं आता। तो दोबारा मत पूछना रॉड वाला चलेगा क्या, पेट वाला चलेगा क्या, डायबिटीज वाला चलेगा क्या, किडनी वाला चलेगा क्या, डायलिसिस वाला चलेगा क्या, स्टेंट वाला चलेगा क्या, बाईपास सब चलेगा, सिर्फ 3 ही लोग, बाकी बाईपास स्टेंट ये वो सब चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 3 है क्या, नहीं है तो यूज करो, और बाकी आपको लगे तो आपके डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट कर लो। ओह सर, परफेक्ट। आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, और काफी कुछ लोगों के थोड़े अलग भी क्वेश्चंस थे, कि वो मैं चाहूंगा जो उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो हमारे जो सेशंस होते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो हमारे वहाँ सेशंस में उनको चीजें जानने को मिल जाएगी। हाँ, कोई और सर ये लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा, कितनी कंट्रीज में डिलीवरी है, कितनी कंट्रीज में? आई बिलीव अभी नेशनली कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग हिंदुस्तान के 29 राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग दिन रात अभी 200 देशों में जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ महीनों में एग्जैक्टली टाइमिंग हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारा काम चालू हो चुका है, क्योंकि वहां के लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करते करते टाइम लगता है, हमारे पास अभी इंडिया में बहुत ज्यादा लोड है। दूसरा, किसी ने यहाँ पर लिखा सर्टिफिकेट FDA FDA का, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कोई खाने पीने वाली की चीज नहीं है, ये एक्सटर्नल नेचुरल थेरापी के अंडर में आती है, और ये मैग्नेट को आज तक में 16 साल हुआ, किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई इसको सर्टिफिकेट दे सकता है, दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं कि इसको सर्टिफिकेट दे सकता है। मैग्नेटिज्म इज अ डिफरेंट साइंस, मैग्नेट को गॉस पावर में मेजर करते हैं, इसकी लैब में आप चेक कर सकते हो, अलग अलग लैब होती है अलग अलग शहरों में, वहां जाकर इस मैग्नेट को दो, उसके अंदर क्या है वो सब आपको बताएंगे, वो धरती के अंदर से लाया हुआ मैग्नेट, उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है, लैब रिपोर्ट बनती है, वो मैं आपको भी दे दूंगा। तो उसको किसी भी परमिशन की, किसी भी सर्टिफिकेट की कभी भी जरूरत नहीं है, और उसको कोई देने वाला है भी नहीं दुनिया के अंदर। और तो कुछ बताइए सर? आई बिलीव मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, और जिस तरीके से आपने सेशंस लिया ऑलरेडी, हर चीज जो नॉलेज हमें चाहिए आज इसमें काम करने के लिए, बात हो रही है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आई थिंक वी ऑलरेडी वी हैड दैट योर नॉलेज, हम सबको नॉलेज प्रॉपर मिल चुकी है, और काफी कमेंट्स अभी आ रहे हैं चैट बॉक्स में ऑलरेडी कि सर एक्चुअली जो मेन नॉलेज थी वो आपने क्लियर कर दी ऑलरेडी, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। यस सर, कोई किसी का अगर मेजर सवाल है तो आप मुझे बताइए, वरना फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और इसको एडिट करके यूट्यूब पे भी डाल दीजिए। इम्प्रूवमेंट रिएक्शन के बारे में, कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमारा मैग्नेट यूज करने के बाद शरीर में दर्द होता है, तो ये 100 में से 5 डिफेक्टिव बॉडी में होता है, जो हाईली डिफेक्टिव बॉडी है उसको ओमिटिंग होता है। ओमिटिंग होना बहुत अच्छी बात है, कि शरीर का जो अंदर जो टॉक्सिक केमिकल है वो बाहर निकलता है। बहुत बार लोगों को लूज मोशन होगा, स्वेलिंग होगा, बॉडी दर्द होगा,
ये सब हो सकता है और ये नेचुरल पेन किलर का काम करता है। तो आपकी ब्लड वेसल में जब ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट करने को जाता है तो शुरुआत के दिनों में आपको ये कुछ इंप्रूवमेंट रिएक्शन आएगा तो खुश होना चाहिए। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है और कुछ डरने वाली भी बात नहीं है, लेकिन ऐसे केस में आपको रोज दो दो घंटा इस प्रोडक्ट को यूज करना है, वो आपके बॉडी को ठीक कर रहा है। ओके, और बताइए आगे। सर दैट्स इनफ, क्योंकि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अपनी ट्रेनिंग में और क्वेश्चंस में क्लियर आउट कर दिया आई बिलीव, और बाकी कुछ और ज्यादा क्वेश्चन ये सब कांग्रेट्स कर रहे हैं एंड वी आर अप्रिशिएटिंग योर नॉलेज, बिकॉज अभी भी हमें लगता है कि अभी हमने बहुत कम नॉलेज लिया, अभी बहुत नॉलेज आपसे लेनी बाकी ये प्रोडक्ट को लेकर कितनी बिल्कुल इसके ऊपर हम लोग बहुत खूबसूरत सा वीडियो बनाने जा रहे हैं और आने वाले डेढ़ महीने में आपके पास इसकी साइंटिफिक विजुअलाइजेशन के साथ वीडियो भी बननी है, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो लेट्स जस्ट एंड, शुड वी डू द क्लोजिंग? हाँ क्लोज कर दो। ओके, सो थैंक यू सो मच सागर सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, वो जो मैग्नेटिक नॉलेज हमें चाहिए आज लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए और फील्ड में मार्केट वर्क करने के लिए, जो आई बिलीव जो हम एक मतलब कहते ना सिंपल से क्वेश्चन हम फेस करते हैं वाइल वर्किंग इन द फील्ड, तो आई बिलीव आज सबके वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे क्योंकि 2000 पार्टिसिपेंट्स थे, ये बहुत अच्छी हमारी चल रही है। और सर थैंक्स टू यू कि आपने स्टेप लिया जूम पे। सवाल है लोगों का कि ये मैग्नेट इस मैट्रिक्स में दिखता नहीं है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के छोटे मैग्नेट होते हैं और उसमें ये स्पंज के अंदर या ये कॉटन के अंदर होता है, कपास के अंदर होता है करके आपको हाथ से फील नहीं होगा, लेकिन हम लोग आपको डेमो के लिए एक मैग्नेट देते हैं, आप उसको चिपका के देख सकते हैं, क्योंकि हाथ से आमतौर पर पता नहीं चलेगा क्योंकि छोटे मैग्नेट होते हो तो हाथ से आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैग्नेट चिपका हुआ तो आपको वहां पर वो दिखेगा। और उसके मोबाइल के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशन भी आते हैं मैग्नेटिक पावर चेक करने के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी चेक करने के एप्लीकेशन भी, आप उस मैट्रेस के ऊपर घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा। वो जो ऐप है आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। यस सर, बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैग्नेटोमीटर करके एप्लीकेशन है जो अपने मैट्रेस के ऊपर मूव करते हैं, ब्रेस्टेड पे या वॉट एनर्जी पैड पे, लोगों को लिंक दे दो टाइप करके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी चैट बॉक्स में सबको डाल रहा हूँ। डियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मैग्नेटोमीटर करके है हमारी एप्लीकेशन, ऐसी कई सारी है, मैं आपको लिख रहा हूँ मैग्नेटोमीटर। हाँ, ये एक एप्लीकेशन है, ऐसी और भी एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड करेंगे और उसको आप थ्रू भी तो हम जब मुंबई विजिट करते हैं ऑफिस में तो देखते हैं कि लाइव एक्चुअली उतने मैग्नेट इम्प्लांट किए जा रहे हैं हमारे मैट्रेस पे, वाटर एनर्जी पैड पे, पिल्लो पे और हमारे जंबो ब्रेसलेट पे। सो ऑल द प्रूवन कंसेप्ट एंड द प्रूवन प्रोडक्ट, एंड थैंक यू सो मच, अ बिग बिग थैंक्स टू सागर सर कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में कुछ समय हम सबके लिए मैनेज किया और इतनी जबरदस्त और इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस दिया इस समय, और इतने ज्यादा इस समय हमें रिजल्ट आ रहे हैं आपको लेकर। और मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि कंपनी ने सागर सर स्पेशली आप सबकी क्वेरीज को लेते हुए हिंदी में भी, यस हिंदी में भी प्रोडक्ट की जो ब्रोशर है वो लॉन्च कर दी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको हिंदी में भी प्रोडक्ट की ब्रोशर मिलेगी अब, तो जिनको इंग्लिश में है इंग्लिश में, इंग्लिश में ले सकते हैं, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक अवेलेबल है हिंदी के अंदर, तो आप जरूर लीजिए क्योंकि आपका बिजनेस भी ग्रो होगा, बहुत सारी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आपको विजुअलाइजेशन के साथ मिलेगी, तो हर एक ने बुक लेनी चाहिए, 10-10 बुक ले लो और आपको आगे देने के लिए भी काम आएगी। यस, सो वो हमारी वर्किंग बहुत हेल्प कर रही है क्योंकि मैंने खुद देखा लाइव कि कितनी उसमें बेहतरीन नॉलेज दी हुई है हिंदी में, हर एक को बहुत रहेगा उसमें वर्किंग करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सागर सर, अ बिग थैंक्स टू यू कि आपने मैनेज किया अपना इतना बिजी शेड्यूल कुछ समय और आप इतना बेहतरीन हमारे लिए एफर्ट कर रहे हो। आई नो, मैं आप सबको बताऊं सागर सर ऑलमोस्ट हर वक्त पूरा लगे रहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को परफेक्ट करने के लिए, आपको कोई क्वेरी ना हो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के लिए, और हमारे जो रोड मैप जो क्रिएट करते रहते हैं कि आप सब तक एक बेहतरीन चीज पहुंचे और हम इस कंसेप्ट में इतना ग्रो करें, क्योंकि शायद हमेशा क्या अपने पास हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक है, तो जिनको इंग्लिश चाहिए इंग्लिश बुक भी अवेलेबल है, ब्रोशर भी अवेलेबल है, तो दोनों लैंग्वेज में है। यस सर, सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू सो अ बिग थैंक्स टू डॉक्टर सागर सर इतना अच्छा कंसेप्ट के लिए। ऑल्सो सर लेट्स क्लोज द सेशन, शुड वी? मुलाकात करेंगे आप सबसे प्रिय पार्टिसिपेंट्स इसके हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, आप सबकी डिमांड फिर हम सागर से रेस करेंगे सर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एक और सेशन बहुत जल्द रखेंगे। और अभी इतना नॉलेज हमने सर से देना, इतना नॉलेज जिसका अभी हमने बहुत थोड़ा सा, मतलब कितना
सागर में से सागर नाम ही सागर है अभी हमने और पूरा सागर बाकी है। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच सागर सर। मैं आप सबको बताऊं ये हमारे सपोर्ट सिस्टम जो कर रहा है आप सबके तक पहुंचाने के लिए। कल हमारी फिफ्थ सेशन होते हैं 3:55-8:55 रेगुलर बेसिस पे, आप वहां भी आइए, आपको पूरी प्रेजेंटेशन की नॉलेज मिलती है और हमारे सेशन सेमिनार सबको लाइव मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बिग थैंक यू सागर सर, हैव अ गुड डे एंड अ गुड इवनिंग, मीट यू ऑल टुमारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।